हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ गीतांशु। तो आज हम बनाएंगे प्लास्टिक चेयर का कवर। बहुत इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी, जिससे नॉन प्रोफेशनल भी बहुत आसानी से इसको बना पाएंगे। ये कवर चेयर पर डालने के बाद बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि ये चेयर है, और इससे कुछ कुछ सोफे जैसा लुक हमें मिलता है। इस वीडियो का पार्ट वन लास्ट वीक ही मैंने डाला था, उसमें भी इसी तरह चीज़ों के कवर आप लोगों के साथ शेयर किए थे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी। घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम डेली यूज़ करते हैं, और यूज़ करते करते वो पुरानी दिखने लगती हैं, बट अगर उनको हम कवर करके रखें तो उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है, प्लस देखने में भी अच्छी लगती है और हमारा घर ऑर्गेनाइज लगता है। ये चेयर्स तो मोस्टली सबके घर होती हैं, और जब ये थोड़ी पुरानी हो जाती हैं तो इन पर स्क्रैचेस दिखने लगते हैं या इनकी प्लास्टिक का कलर चेंज होने लगता है। और अगर ये सब ना हो तो घर में बच्चे होते हैं तो वो इन पर अपनी ड्राइंग इस तरह से बना ही देते हैं, तो ये सारे डिफेक्ट कवर डालते ही गायब हो जाएंगे और चेयर बहुत सुंदर लगेगी। तो पहले यहाँ से हम इसकी फुल लेंथ ले लेंगे। फुल लेंथ हमारी लगभग आएगी 31 इंच, और नीचे हमें इसमें फ्रिल ऐड करनी है। तो फ्रिल की जितनी भी लंबाई हमें रखनी है उतनी लंबाई को टोटल लेंथ में से माइनस कर देंगे। इसके लिए फैब्रिक हमेशा मोटा ही लें और थोड़ा मजबूत ही लें, जिससे ये लॉन्ग टाइम तक रहे। फ्रिल की लंबाई कम करने के बाद जो लेंथ हमारे पास बची थी उस लंबाई को लेकर इस तरह से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लगभग 1.5 मीटर कपड़े पर। तो अब चेयर को हमें इस तरह से रखना है उल्टा करके, और यहाँ आगे 1/2 इंच की लंबाई छोड़ते हुए इस तरह से चेयर को बेंड करेंगे, और साइड में हमें यहाँ 2.5 से 3 इंच का आगे फैब्रिक छोड़ना है। और उसके बाद इसी तरह से चेयर को पलट कर धीरे धीरे घुमाते हुए हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। चेयर घुमाते हुए ध्यान रखना है कि चेयर हिलनी नहीं चाहिए अपनी जगह से, और दूसरी तरफ भी लगभग 2.5-3 इंच का फैब्रिक छोड़ देंगे। यहाँ ऊपर 1/2 इंच का सी मार्जिन लेकर, और नीचे लगभग 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि चेयर जो है वो पीछे की तरफ थोड़ी सी बैंड होती है और आगे से थोड़ी जहाँ पर हमारे हाथ आते हैं वहाँ पर उठी हुई होती है। तो यहाँ हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ सामने से हमें इसकी लंबाई लेनी है, तो ऊपर से यहाँ नीचे तक जहाँ तक ये फ्लैट होती है इसका डिज़ाइन, वहाँ तक हम लंबाई ले लेंगे, लगभग 19 इंच है। तो जैसे हमने पहले किया था उसी तरह ही यहाँ पर 19 इंच की लंबाई लेकर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेम तरीके से चेयर को भी यहाँ पर हम रखेंगे उल्टा करके, और फिर इसी तरह बैंड करके, लेकिन इस बार हमें सिर्फ 1/2 इंच ही आगे फैब्रिक को छोड़ना है सीम मार्जिन के लिए, और इसी तरह चेयर को घुमाते जाएंगे और मार्किंग कर लेंगे। और इसको सेम जितना सीधा सीधा हमने रखा था उतना ही कटिंग करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा जो हमने पहले वाले में लिया था वैसा नहीं लेंगे। तो यहाँ ये वाला हिस्सा है हमारा बैक और ये है फ्रंट। इन दोनों को इस तरह से रखकर एक दूसरे के ऊपर, और इस तरह ये जो किनारा है यहाँ से हम इसको सिलाई लगा लेंगे। लेकिन हमें ये जो दोनों किनारे हैं जहाँ हमने यहाँ 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, ये वाला किनारा भी हम नहीं सिलेंगे। यहाँ हम सिर्फ यहाँ तक ही इसमें सिलाई लगाएंगे, इसको खुला छोड़ देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको चेयर पर डाल के देखना है। तो ये दोनों हिस्से खुले हैं, और डालने के बाद चेयर पर ये इस तरह से कवर हो जाएगा पीछे से भी। अब यहाँ हमें क्या करना है, इसको हमें इस चेयर के हैंडल की तरह ही राउंड शेप देनी है। तो पहले हमें पीछे वाला फैब्रिक आगे लेकर आएंगे और इसके इस किनारे तक इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे या तो आप कच्चा कर लीजिए या फिर आपके पास पिन्स हैं तो पिन लगा लीजिए, और ऊपर से एक राउंड शेप बना लेंगे चेयर के अकॉर्डिंग, और फिर उसी पर हम पिन लगा लेंगे या फिर कच्चा कर लेंगे। इसी के ऊपर हमें बाद में सिलाई लगानी है। दोनों तरफ करने के बाद ये बीच में जो लूज अभी फैब्रिक आप देख रहे हैं इसको भी हमें सेटल करना है। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ जो ये किनारा होता है यहाँ पर हम यहाँ से फैब्रिक को उठाएंगे और ऊपर एक तिरछा डार्ट जैसा डालेंगे, जो कि हम ड्रेसेस में डालते हैं उसी तरह से। इस तरह से जो ढीला फैब्रिक, जो फैब्रिक यहाँ पर लूज़ है, इसकी भी हम यहाँ पर चेयर की फिटिंग कर देंगे। तो लगभग 2.5-3 इंच चौड़ाई इसमें आ रही है, और सेम दूसरी तरफ भी हम यहाँ पर सेम डार्ट डाल लेंगे। दोनों हमारे बराबर होने चाहिए और लगभग एक थोड़ा सिमेट्री पैटर्न सा हमारा बने, इस तरह से हम इसको
रखेंगे। और इसी तरह यहाँ पर कच्चा कर लीजिए या पेंस लगा लीजिए, इससे हम आसानी रहेगी हमें सिलाई लगाने में। और बस अब हमें इनके ऊपर ही सिलाई लगानी है। तो ये बिल्कुल आराम से इसकी जो लूजनेस थी फैब्रिक की वो चली गई। ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी हम कट कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट कर दिया है। बहुत ज़्यादा फिटेड भी इसको नहीं बनाएंगे क्योंकि इससे आपको निकालने में और डालने में प्रॉब्लम होगी और ये फट सकता है। अब ये जो नीचे बैठने वाला हिस्सा है यहाँ पर हम मेज़रमेंट ले लेंगे। तो जितना भी आपको नीचे लंबाई इसकी लेनी है वहाँ तक आप मेज़रमेंट्स ले लीजिए। और जहाँ जो सबसे ज़्यादा चौड़ाई होती है चेयर की वहाँ से चौड़ाई ले लीजिए। और जो लंबाई चौड़ाई हमने अभी ली है उसी के अकॉर्डिंग एक पीस हम स्क्वायर पीस काट कर निकाल लेंगे। उसको लंबाई में इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और एक किनारे से इस तरह राउंड शेप दे देंगे चेयर के अकॉर्डिंग। और जहाँ पे हमने ये सर्कुलर थोड़ी सी शेप दी थी वहाँ पे इसके सेंटर में एक निशान ले लेंगे दोनों तरफ। इस निशान पर हम एक स्ट्रैप ऐड करेंगे। तो इस तरह से चेयर पर रख कर देखेंगे तो ये इस तरह से शेप आ जाएगी। अब ये दोनों किनारों को हम यहाँ से पकड़कर पूरी गोलाई की तरफ से सिलाई कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे से भी कट कर देंगे। तो सेंटर पॉइंट दोनों फैब्रिक के ले लिए हैं और उसके बाद हम इसको सिलाई लगा लेंगे। एक स्ट्रैप हमने इस फैब्रिक से निकाली है और ये जो हमने निशान लगाए थे दोनों कर्व पर वहाँ पर इसको रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और दूसरी स्ट्रैप को भी इसी तरह लगा लेंगे। तो चेयर का ये हमारा लगभग हाफ हमारा कवर रेडी हो गया है और इस तरह से ये आ जाएगा। और यहाँ जो हमने स्ट्रैप इसको ऐड की थी इनको हमें नीचे जो चेयर के पाए होते हैं इस तरह उन अंदर की तरफ घुमाकर अंदर नोट लगा देंगे। तो इससे आप जब भी चेयर के ऊपर बैठेंगे बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, या बच्चे इस पर बैठते हैं तो ये बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा, अपनी जगह एकदम फिक्स रहेगा। अब नीचे फ्रिल वाले हिस्से के लिए एक बार फिर से नाप ले लेंगे हमें कितनी लंबाई लेनी है। और फ्रिल के लिए हमें टोटल चेयर का जो राउंड एक सर्कल होगा उसकी जो नाप होगी उसका डबल फैब्रिक हमें लेना है। तो फैब्रिक कट करके ऊपर वाले हिस्से हम इस तरह से यू पिन की हेल्प से प्लीट्स डालते जाएंगे और पूरे सर्कुलर हिस्से में हम कवर के फ्रिल बनाकर तैयार कर लेंगे। और फ्रिल के नीचे किनारों को भी हम फिनिशिंग दे देंगे और हमारा कवर रेडी हो जाएगा। तो देखिए बनने के बाद ये कितने ब्यूटीफुल लगते हैं और बिल्कुल एकदम सोफे जैसा लुक इसमें आ रहा है। आप इसको लिविंग रूम में रख सकते हैं कुछ कुशंस के साथ, और या फिर आप इसको टेरेस पर भी रख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगती है। कितना आपको ये कवर पसंद आया आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए हर हफ्ते लेकर आती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।